एक अच्छे लाइट बीइंग होते हैं तो हमारा ऑरा ऐसे दिखता है. इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज, द ऑरा इज ह्यूज. कैसे? किसी आप एसोटेरिक बुक में सब लिखा है, एनी बेसेंट का. इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, यू कैन गो थ्रू, मेनी बुक्स आर देयर अवेलेबल इन अमेजोन ऑल्सो. सो वहां पे ऐसा लिखा है, जब बुद्धा चलते थे 7 मीटर से भी ज्यादा उनका ऑरा होता था. ओके, और 7 मीटर मतलब और भी बड़ा होता था. और जब वो चलते थे तो उनके साथ साथ जितने भी लोगों को वो ऑरा टच करता था ना, उतने लोग हील होते थे. सो दैट इज द मैजिक विच वी आर क्रिएटिंग थ्रू व्हाट? सिर्फ मेडिटेशन करके वी कांट क्रिएट दैट मैजिक. वी हैव टू शील्ड आवर सेल्फ, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. कहीं से एनर्जी लीकेज हो जाएगी तो ये जो ऑरा है वो कुछ और में ऐसे चेंज हो जाएगा, उसमें इतने सारे दाग धब्बे आ जाएंगे. देन यू कांट, यू नो, देन फिर आप सोचते रहोगे कि कहाँ से क्या आ रहा है. भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा सर दर्द जा ही नहीं रहा, मेरा पेट दर्द जा ही नहीं रहा, मेरा बच्चा रोए जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मेरा बच्चा पढ़, मतलब द रिपिटेटिव पैटर्न विच सडनली अकर्स, दैट इज द प्रॉब्लम विच द नेगेटिव एलिमेंटल्स हैज क्रिएटेड इन योर ऑरा. Now, what is this course is all about? This is all about studying about your aura. This is all about scanning about your aura. Because जब तक आप स्कैन नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने शील्ड किया या नहीं किया. और सिर्फ आपका ऑरा नहीं शील्ड करना सिखाऊंगी, मैं शील्ड करना सिखाऊंगी आपकी गाड़ियों को, चीजों को, आपके घर को, आपके बिजनेस को, कुछ मतलब ऐसी चीजें जिसके ऊपर आपको लग रहा है भाई नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी. सो वो थॉट फॉर्म को निकालने के लिए शील्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यू नो व्हाट, हमारे लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बट हमारा जो सबकॉन्शियस पैटर्न ऐसे ट्रेन हुआ है कि पूरी दुनिया के लिए हम इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया हम पे नजर लगाएगी, पूरी दुनिया हम पे काला जादू करती है. सो दैट इज अगेन व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन इट. सो इफ समबडी इज वेरी मच एंग्री, उसके ऑरा में कैसा होगा? आप ये पिक्चर देख सकते हो, एंगर, एंगर ऐसा 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 कलर दिखता है. ये क्लेयरवॉयंट पिक्चर है, ठीक है? एंगर ऐसा दिखता है. कोई डिजायर, मतलब डिजायर कैन बी लाइक एनीथिंग, इवन टू अचीव स्पिरिचुअलिटी कैन बी अ डिजायर फॉर मेनी पीपल, बट वो डिजायर जब जिद में आ जाती है तो ये ऐसा दिखता है. ओके, मैम दिख नहीं रहा। ये रहा ऊपर, ये रहा यहाँ पे, नहीं दिख रहा है? अब ये रहा अल्कोहल एंड क्या एडिक्शन. जब अल्कोहल एंड एडिक्शन आती है तो ऐसा होता है. ये इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बिकॉज एडिक्शन इज अगेन अ वेरी बिग चैप्टर, जिसको हील कैसे करना है और फिर उसको, क्योंकि क्योंकि यू नो व्हाट, ऐसे हर हीलिंग के लिए शील्डिंग इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज जब तक आप खाना बनाते हो, ठीक है, खाना बनाने के बाद आप लोग ढक के रखते हो या वैसे ही खुला छोड़ देते हो? हम ढकते हैं ना बनाए हुए खाने को. सुबह अगर बनाया तो दोपहर को अगर वो खाना है तो हम ढक के रखते हैं ना, या ऐसे ही खुला छोड़ देते हो कि भाई चलो सारे कीटाणु आ जाओ, जो भी है आके कर लो. सो अगेन, वेन एवर यू डू हीलिंग, आपका ऑरा प्रोटेक्ट होना चाहिए थ्रू शील्डिंग. इट्स लाइक खुला हुआ बिल्कुल सामान, कोई भी आ जाएगा, कुछ कुछ भी करेगा आपके ऑरा के साथ. देन आप सोचते रहोगे कि भाई क्यों हो गया मेरे साथ. ओके, सो दिस इज लाइक कैल्सिफाइड थॉट फॉर्म, मेटीरियलिज्म, सेल्फिशनेस, ग्रीड, वरी, डिसऑनेस्टी. सबका कलर्स एंड शेप्स एंड साइजेस आर टोटली डिफरेंट, राइट? I will teach you how to scan these negative energies during this journey. तभी हम शील्डिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि भाई कितने हैं, तो आप शील्डिंग कैसे, मतलब ऐसे ही नहीं कर सकते. यू क्रिएट अ थॉट थ्रू, कैसे को आप थॉट कैसे क्रिएट करते हो? जैसे इस वेबिनार में आना है मुझे, इतने लोगों को ये लिंक मिला,
बट देन आपको क्यों लगा कि इस वेबिनार में आना है? कुछ तो सोचा होगा ना पहले, तो दैट इज अ डिजायर, ठीक है, दैट इज अ एम्बिशन। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से इतना प्यार करते हैं कि उनको करने का मन है मेरे से, तो दैट इज अ लव बिटवीन मी एंड माई स्टूडेंट्स, राइट, दैट इज अगेन लव एनर्जी। सो कुछ लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, लाइक एंगर, फियर। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, अलग अलग तरीके के इमोशंस वो निकालने चाहते हैं, बेचारों को पता भी नहीं होता क्या इमोशन से फंसे हुए, राइट। सो इरिटेशन, एनी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट फॉर्म, उसका एक शेप, साइज एंड कलर होता है हमारे ऑरा, ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स आर देयर? देयर आर मेनी टाइप्स, बट कुछ चीजें हमने लिस्ट आउट की है यहाँ पे, लाइक वीकनिंग थॉट्स। वीकनिंग थॉट्स इज लाइक ये काम करूं या ना करूं, दिस डिलेमा कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एग्रेसिव थॉट इज लाइक, वो तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा, स्नोबिश थॉट, रेसिस थॉट्स, एनस्लेविंग थॉट, वायलेंट थॉट, ये सब एक अलग अलग थॉट्स हैं जिनके साथ हम डील करेंगे एंड जिनको हम स्कैन करेंगे, जिनको हम निकालना सीखेंगे, बिकॉज ये सब थॉट मेजरली सबके अंदर होते हैं। साइकिक पोल्यूशन एंड साइकिक कंटेमिनेशन, ये दो चीजें ऐसी हैं। दिल्ली इज हाईली रेटेड पोल्यूटेड सिटी, राइट, जहां पे मैं रहती हूँ, मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, बट इस हाईली पोल्यूटेड सिटी को कैसे बोला जाता है? कुछ तो उसका नापदंड होगा ना, कुछ मेजरमेंट होगा, राइट। वैसे ही हमारे घर पे कितना पोल्यूशन है, कितना कंटामिनेशन है, साइकिक, पता है किसी को? या हमारे अंदर कितना है? क्योंकि देखो, घर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जिन्होंने मेरे साथ कलर्स किया है, जिन्होंने, मैंने घर की हीलिंग की है, उसके बाद जो मुझे टेस्टिमोनियल्स अगले दिन मिले हैं कि मैंने पूरे घर को चेंज कर दिया, फर्नीचर चेंज हो गया एक हीलिंग में, ये हो गया, दैट इज ऑल वेरी गुड। बट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप कि हम्म।